प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में, विशेष करके पुराने नियम में इवन जो त्योहार मनाए जाते थे, वो त्योहार भी प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते थे। और मूसा ने जो तंबू बनाया उसकी रचना में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रकट होते थे। और हम पिछली बार हमने देखा कि फसा जो है, जो त्योहार था, पहला त्योहार था, वो कैसे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता था। फसे के बाद में अखमीरी रोटी का त्योहार, सात दिन तक, और फिर सात दिन के बाद में जो है प्रथम उपज का त्योहार। प्रथम उपज का त्योहार प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को प्रकट करता है। फसा प्रभु की मृत्यु को, अखमीरी रोटी निर्दोष जीवन उनके गाड़े जाने को, और प्रथम उपज उनके पुनरुत्थान को प्रकट करता। और जिसका वर्णन जो है लेवी व्यवस्था की पुस्तक तो निर्गमन में भी है। मैं लेवी व्यवस्था में से पढ़ रहा हूं, उसका 23वां अध्याय पद 9 से आगे। सो यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लें, लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23वां अध्याय पद 9 से आगे यहां लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पक्के खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए, और जिस दिन तुम पूले को हिलवाओ उसी दिन एक वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, और उसके साथ का अन्न बलि एपा के 2/10 अंश तेल से सने हुए मैदे का हो, वह सुखदायी सुगंध के लिए यहोवा का हव्य हो, और उसके साथ का अर्ध हीन भर की चौथाई दाख मधु हो। और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास न ले जाओ, उस दिन तक नए खेत में के न तो रोटी खाना और न भुना हुआ अन्न और न हरी बालें, यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। सो तुम्हारे खेत की जब पहली उपज तुम काट के लाओ तो सबसे पहला अर्पण कहां हो? परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के उस याजक मूसा जो है उसके तंबू में हो, और उसके बाद तुम वो रोटी खाना। और जैसा मैंने बताया, ये उपज जो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को बताती है। और कहा गया कि प्रभु यीशु मसीह हमारी पहली उपज है। जैसे प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठे थे, और वैसा ही हमारा भी पुनरुत्थान होगा। पृथ्वी पर हम मिट्टी में मिल भी गए, उसके बाद प्रभु हमें वही जीवन देगा जो प्रभु यीशु मसीह का। पुनरुत्थान का पहला फल हमारा प्रभु यीशु मसीह, और उसके बाद हम। और प्रभु यीशु मसीह ने यहां से जीवन के कंसेप्ट को चेंज कर दिया। हम अभी तक सोच रहे थे कि हमारे मां के पेट से हम आए और जब तक हमारी मृत्यु रहेगी ये जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता तब तक वो अन्य और पेड़ों को जन्म नहीं देता। और देखें, जिस बात को प्रभु ने प्रचार किया वे स्वयं उसमें पहले उठे। प्रथम फल मरकर के जीवन, यहां से जीवन आरंभ होगा। जो हमारे कंसेप्ट है वो प्रभु ने टोटली चेंज कर दिया, और हमारा प्रभु जो है हमारा प्रथम फल है। मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहले उठा। और आए इसे हम थोड़ा सा और देखेंगे,
और जैसा मैंने कहा कि यदि आप इसके डिटेल देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर जो है मेरे चैनल को आप खोल लें, डॉक्टर एस जी बेंजामिन लिखें, उसके आगे टेबरनेकल ऑफ मोजेस लिखें, 70 से ज्यादा एपिसोड आपको सिर्फ इस मूसा के तंबू से संबंधित। और यदि आप इसको किताब के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ गॉड, ये किताब जो है वो 500-600 पन्ने की है और बड़ी साइज में है। आप इसे अमेजॉन पे या फ्लिपकार्ट पर बुला सकते हैं, बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, अफोर्डेबल है, लेकिन आप आनंदित हो जाएंगे प्रभु के रहस्यों को जान करके। सो आए मेरे साथ और अध्ययन पे चले। सो ये हमारा प्रभु जो प्रथम फल, फेस्टिवल ऑफ फर्स्ट फ्रूट, प्रथम उपज जो है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को बताती है और जो जीवन के प्रति प्रभु का कंसेप्ट था उसको बताती है। और हमारा कंसेप्ट ये था, मां के पेट से आए और जब वापस इस मिट्टी में मिल जाएंगे ये जीवन है। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता और फिर उसके द्वारा दूसरे और पौधे नहीं आते तब तक, और वो जो जीवन आरंभ हुआ वो वास्तव में जीवन है। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं इसके उदाहरण। सो पिता ने जैसे प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया वैसा ही जीवन वो हमें भी देंगे। और जी उठे में पहले उठा हमारा प्रभु, उसके बाद प्रभु के लोग, और जैसा पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 20वीं आयत में लिखा है कि जी उठने वालों में पहलो था वैसा हमारा भी पुनरुत्थान होगा, और ये पहली फसल जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को बताती। और ये तीसरा त्योहार था, सबसे पहला इसी पहले महीने के 14वें दिन को फसा का त्योहार, फिर 15वें दिन से 7 दिन तक जो है अखमीरी रोटी का त्योहार, और उसके बाद ये प्रथम उपज का त्योहार। ये तीन त्योहार एक ही महीने में आते थे। सो फर्स्ट फ्रूट, और इसके बाद में प्रभु को फसल काट करके उसका पहला अंश प्रभु के मंदिर में, और उसके बाद लोग अपने लिए खा सकते हैं, भून सकते हैं, रोटियां बना सकते हैं, सारी चीजें। लेकिन पहला फल कहाँ आएगा? वो प्रभु के भवन में आएगा, और वो किसको प्रकट करता था? वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, उनके पुनरुत्थान को प्रकट करता था। और जो है नीति वचन 3:9-10 आयत, प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रथम फल। निर्गमन के पुस्तक में भी प्रथम फल प्रभु के चरणों में लेकर गया, प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रथम फल, और वो मरियम का पहलोठा, पिता का एकमात्र पुत्र और सारी सृष्टि का पहलोठा, मरे वो में से जी उठने वालों में पहलोटा, और भाइयों में पहलोटा, सबसे सर्वप्रथम जी उठने वालों में पहलोटा। हमने देखा पहला कुरिन्थियों 15:20-23 आए थे, और पृथ्वी का आरंभ ये हमारा प्रभु यीशु मसीह, सो प्रभु यीशु मसीह को ये त्योहार इस रीति से प्रकट करता था, प्रथम उपज का त्योहार। प्रभु हमारा प्रथम उपज जी उठने वालों में पहलोठा। और जैसे पिता ने उन्हें जो दे दी थी वैसी दे उसके बाद हमें भी देगा, हमें भी वैसी दे देगा।
सो हमें आनंद मनाना चाहिए। इस त्योहार के द्वारा हम प्रभु के पास, प्रभु के नजदीक आ पाते हैं। और प्रकाशित वाक्य के सातवें अध्याय में न सिर्फ यहूदियों का जी उठना, वरन सारे लोगों का, अन्य जातियों का, और फिर बीसवें अध्याय में भी सारे लोगों का जी उठना। कोई तो अनंत जीवन के लिए और कोई अनंत मृत्यु के लिए। सो ये निर्भर करेगा कि आप भी जी उठेंगे, लेकिन कहां जाएंगे ये आपके पृथ्वी के निर्णय डिसाइड करेंगे। सो प्रभु जो है चाहता है कि आप सही निर्णय करें, सही निर्णय करें प्रभु के पास जाने के लिए। और प्रभु हम सबकी सहायता करें कि हम अपने जीते जी इस बात के निर्णय करें कि हम अपना जीवन प्रभु के साथ बिताएंगे या प्रभु के विपरीत बिताएंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ करेंगे, दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप इस पृथ्वी पर आए और प्रभु आपने सारी व्यवस्थाएं चेंज कर दी और हमारे जैसे लोगों के लिए अपने प्राण दिए कि हमें जीवन दे। आपकी मृत्यु से हमें जीवन मिला प्रभु, आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली, आपके कंगाल हो जाने से आपने अपने लोगों को चाहा कि वे धनी बने। और प्रभु आपका चेहरा यहां तक बिगाड़ दिया गया था कि वो मनुष्यों का न जान पड़ता, इसलिए कि हम इस पृथ्वी पर खूबसूरत रहे। क्या कहें प्रभु, आपके बलिदानों के लिए, आपके त्याग के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आप कहते हैं कि जैसे पिता ने आपको मरे हुओं में से जी उठाया था और वो जी उठे में आप पहले उठे, और जो शरीर आपको दिया गया था वैसा ही जी उठना आपके पीछे चलने वाले लोगों का होगा, वैसा ही शरीर आप उन्हें देंगे जो अनंत काल तक आपके साथ रह पाए। सो प्रभु जिन्होंने अपने जीवन को आपको समर्पित किया है, ऐसे सारे जीवनों के लिए धन्यवाद देते हैं। और जो अभी तक आपको नहीं जान पाए हैं उनके लिए भी आपसे दुआ करते हैं प्रभु, दया करें प्रभु कि वे अपनी मृत्यु के पहले, आपके द्वितीय आगमन के पहले आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर पाए। क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन और फिर आमीन। I am the Lord, there is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.